لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم चले जो राह पर इसकी यकीनन पाए वो मंजिल, चले जो राह पर इसकी यकीनन पाए वो मंजिल, यगाने राही बने खासो आम है कुरान, तगैयुरात हुए कौम के सहीफों में, सही है तो फकत ला कलाम है कुरान। मोहतरम हजरात, यूं तो मैं और आप सभी रमजान के महीने में थके हुए होते हैं और दिल नहीं चाहता कि हम लोग ज्यादा देर तक बैठे और जागे, मगर याद रखिए ये आखिरी अशरा और फिर इस आखिरी अशरे की खुसूसन पाक रातें, इनमें हुक्म ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जागने का दिया कि इस रात में जागकर लैलतुल कद्र तलाश करो, इसलिए कि जिसको जिंदगी में एक मर्तबा लैलतुल कद्र मिल गई तो हजारों महीनों से अफजल। शायद यही वजह है कि हम में से आप हजरात की तमन्ना ये होती है कि कुरान की तकमील भी इसी ताक रात में से किसी एक रात में हो जाए, ताकि इस बहाने से कुछ हिस्सा हमारा इबादत में गुजर जाए। आज अल्लाह तबारक वताला का फजल है कि उसने आपको अपने नबी की अजीम सुन्नत अदा करने का मौका अता किया। मुझे इस मौके पर, चूंकि रमजान के महीने में रमजान और कुरान दोनों का ऐसा जोड़ है जो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, और आप अंदाजा लगाइए कि रमजान को इतना ऊंचा मकाम मिला ही कुरान से, फिर कुरान का क्या मकाम। जब पूछा गया कि रमजान क्या है तो कहा गया कि रमजान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, और जब ये पूछा गया कि कुरान कब उतारा गया तो बताया गया कि जिसमें कुरान उतारा गया वो रमजान। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, और फिर वो रात जिसमें कुरान अल्लाह तबारक वताला ने उतारा वो रात लैलतुल कद्र शबे कद्र कहलाई, और उसी की तलाश आखिरी अशरे में हमारे हिस्से में आई। दुनिया अपनी तारीख मनाती है, मुल्क अपना कोई कौमी त्यौहार मनाते हैं, लोग अपनी तारीख और हिस्ट्री के बड़े बड़े वाकयात को याद करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक वताला ने इस जमीन और आसमान और इस कायनात के लिए किसी की विलादत और किसी की वफात को इतना तारीखी हिस्सा करार नहीं दिया जितना कि अल्लाह तबारक वताला ने कुरान के नुजूल के महीने और उस रात को दिया है जिसको अल्लाह तबारक वताला ने कुरान नाजिल किया। इसलिए कि कुरान ना होता तो कुछ भी नहीं, अल्लाह तबारक वताला ने उस रात को जिस रात कुरान उतारा हो तारीखी ये हैसियत अता की है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र,
जब भी शबे कदर आएगी, इस उम्मत की सहूलत के लिए अल्लाह ताला ने उसे बदल दिया ताकि हम जागते रहें, उसे तलाश करते रहें। फरिश्ता आज भी जमीन पर आएगा, बल्कि फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आज भी जमीन पर आए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा कानत लैलतुल कद्र नज़र फीही जिब्रील अलैहिस्सलाम, कि जिस रात शबे कद्र होती है जिब्राइल जमीन पर उतरते हैं, फी कब कब मिनल मलाइका, फरिश्तों के लश्करों के साथ, और तलाश करते हैं आज कौन है जो जिक्र कर रहा है, आज कौन है जो नमाज पढ़ रहा है, इस वक्त कौन है जो तिलावत कर रहा है, ताकि उसे वो सलाम पेश करें, उसकी दुआ पर आमीन कहें और उसके लिए मगफरत की दुआ। इसलिए मेरे अजीजों, अहले ईमान और अहले इस्लाम के लिए रमजान से ज्यादा अहम कोई महीना नहीं है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इबादत का आम मौसम कर दिया करता है, इस तरह के जिन्नातों को कैद कर दिया जाता है और शैतानों को बेड़ियां डालकर कैद खानों में डाल दिया जाता है। तभी तो आप देखते हैं कि वो नौजवान जो 11 महीने भी जुमे की नमाज तक में बड़ी मुश्किल से जाता है, वो आज नमाज तरावी के लिए सफे अव्वल में खड़ा होता है। नमाज फज्र हो या ईशा, वो भी आ जाता है और अव्वल खड़ा होता है। चिलचिलाती हुई धूप में एक मजदूर रोजे रख रहा है, मशीन पर बैठकर काम करने वाला एक मजदूर जिसके माथे से पसीना टपक रहा है, जिसके लबों पर खुश्की जारी है, जिसके पास नेमतें नहीं है, वो भी रोजा रखे हुए है। ये बरकत है इस महीने की, अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को मुसलमानों के लिए यादगार महीना करार दिया है। अगर कुरान ना होता तो मेरी आपकी क्या हैसियत होती, मैं और आप गंदे कीड़ों की तरह नालियों में पड़े हुए होते, मैं और आप अपने बिरादरान वतन की तरह सूरज की तपस्या कर रहे होते, चंद्रमा को देवता मान रहे होते, सांप को दूध पिला रहे होते, और मैं और आप उन जानवरों की इबादत कर रहे होते जिन जानवरों को कुरान करीम ने हलाल करार दिया है। ये कुरान मुकद्दस है जिसकी वजह से आप डंके की चोट ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला है, लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी से पैदा है न उसके कोई औलाद है। यही कुरान करीम है जिसकी बुनियाद पर आप ये ऐलान करते हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमसे अकीदा तौहीद नहीं छीन सकती है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की शक्ल में बता दिया है कि ये कायनात की बाकी तमाम चीजें तुम्हारी खिदमत में है, तुम्हारी गुलाम, तुम्हारी लौंडी और तुम्हारी बांदी है। ये कुरान की बरकत है जिसकी वजह से आज आप सीना ठोक कर ये कहते हैं कि दुनिया से हमें कोई नहीं मिटा सकता, जिसकी बुनियाद पर आप ये शेर पढ़ते हैं, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये किस बुनियाद पर आप कहते हो, इस बुनियाद पर कि जब कुरान अल्लाह तबारक तआला का हमारे पास मौजूद है तो जब हम कुरान पढ़ते हैं तो फरिश्ते उसको सुनने के लिए आ जाते हैं, और फरिश्ते तो जमीन पर आते हैं। कोई भी बंदा जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला बराह रास्त अपनी किताब को सुनता है। अल्लाह तबारक तआला ने इस किताब के जरिए से वादा किया है, वह इन जुमदना लहुमुल गालिबून, मेरा लश्कर गालिब होकर रहेगा। इसी किताब में अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है, कतब अल्लाह अना व रसूली, मैं और मेरे रसूल गालिब होकर रहेंगे, ये अल्लाह तआला ने लिख दिया। चूंकि आज मुसलमानों के पास कुरान का इल्म न रहा, आज मुसलमानों के घरों का जायजा लो, मैं आपके तनकीद के लिए नहीं कह रहा, मैं आपका दिल दुखाने नहीं कह रहा, मैं आपकी इंसल्ट और बेइज्जती के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं इस दुखे हुए दिल के साथ कह रहा हूं कि मुसलमान अपने घरों का जायजा लें। मुसलमानों के घरों में 1.5-1.5 लाख की LCD मिल जाएगी, मुसलमानों के घरों में 7-8 हजार के मोबाइल उनके कई कई बेटों के पास मिल जाएंगे, मुसलमानों के पास 50-50 हजार का टेलीविजन मिल जाएगा। लेकिन अगर मुसलमान के घर में आपको नहीं मिलेगी तो कुरान मुकद्दस की तफसीर नहीं मिलेगी। जिसका हदिया कीमत नहीं, हदिया कह रहा हूं, मुश्किल से 1000 रुपए हो, जिसकी कागज की कीमत जो उर्दू में मारिफुल कुरान की शक्ल में मौजूद है
और शायद किसी मसलक का कोई आलिम न गुजरा होगा जिसने तफसीर न लिखी हो। चलो आपको इससे इख्तलाफ हो सकता है कि ये तो साहब उनकी है, जो लोग अंग्रेजी दा हैं वो ये कहेंगे साहब हम तो मौलवियों को नहीं मानते, ये मुल्ला मौलवी पता नहीं क्या बता देंगे। तो उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम कर दिया, अप टू डेट इंग्लिश जबान का माहिर मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, जिसके सामने अंग्रेजी भी हाथ जोड़े खड़ी है और जिसके सामने उर्दू भी दस्त बस्ता खड़ी है, उस शख्स ने कलम उठाया तो अंग्रेजी में कुरान की तफसीर लिख दी। आप उसे पढ़ लो, वो तो किसी मदरसे के फारिग नहीं, लेकिन नहीं है। इसलिए हमें मालूम नहीं है कि कुरान मुकद्दस हमसे क्या कह रहा है और कुरान का मकाम क्या है। हम अपनी बिटिया से जिसको आज हमने पढ़ा लिया है, चलो हम तो अनपढ़ रह गए, हमने अपने बेटे को जिसे आज हमने तालीम याफ्ता बना दिया है उसके जरिए ही से कम समझ लेते, तब हमें पता चल जाता कि कुरान करीम ने हमसे क्या वादा किया है। अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैं और मेरा रसूल गालिब होकर रहेंगे, लिहाजा तारीख का कोई भी पन्ना आप उठाकर देख लें, अल्लाह तबारक व तआला के किसी रसूल को दुश्मन शिकस्त नहीं देते। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल न कर सका, ना नबूवत के ऐलान से पहले ना नबूवत के दावे के बाद, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत का वादा किया था। इब्राहिम को नमरूद न मिटा सका, आग के शोलों में वो डाल सकता था लेकिन आग को जलाने का इख्तियार उसमें नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम के जरिए कहा कि जब इब्राहिम मुस्कुराते हुए इश्क का तराना पढ़ते हुए मोहब्बत का नगमा गाते हुए अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाते हुए जिब्रील से कह देते हैं कि जिब्रील मुझे तुम्हारा वास्ता भी नहीं चाहिए, मिकाइल तुम्हारे पानी के कपड़े भी मुझे नहीं चाहिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज मेरी कुर्बानी रब्बुल आलमीन के लिए है, मेरी जिंदगी मेरी मौत अल्लाह तबारक तआला के लिए है। तुम जिसे मौत कहते हो हम उसे जिंदगी कहते हैं, मेरा रब अगर मुझे मारने पर आएगा तो कोई बचा नहीं सकता है और अगर मुझे उसे मुझसे काम लेना है तो कोई मार नहीं सकता है, मेरी जिंदगी मौत अल्लाह तबारक तआला के लिए है। अगर मुझे अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत में इस जुर्म में तुम आग में डालते हो कि मैंने तुम्हारे सनम और बुतों को तोड़ दिया है तो मैं आग में कूदने के लिए तैयार हूं। जब इब्राहिम ने सारे वास्ते हटा दिए तो अल्लाह ताला ने बिन वास्तों के कहा इब्राहिम अब बराह रास्त मैं आग को ऑर्डर करके तेरे लिए उसे गुलजार बागीचा और चमन बनाऊं। बोलना या नारुकुनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा अल्लाह कहता है ऐ आग अब ठंडी हो जा इब्राहिम के लिए, बर्दन ठंडी भी होना है सलामन सलामती वाली भी होना, ज्यादा चीड़ भी नहीं होना ठंड लग जाए। यह है कुरान जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे फतह का वादा किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आपके गलबे का वादा किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इस्लाम के लिए इज्जत का वादा किया। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह तबारक व तआला के लिए है उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। जब मुनाफिकीन ने इज्जत तलाश करना चाहिए यहूदियों के पास, जब मुनाफिकीन के सरदार ने इज्जत ढूंढना चाहिए काब बिन अशरफ यहूदियों के सरदार के पास, जब उसने इज्जत तलाश करना चाहिए कुरैश मक्का और मक्के के बुतपरस्तों के पास, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अयतहून इंदहुमुल इज्जत, ये उनके पास इज्जत तलाश करते हैं। इज्जत तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए है उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है, ये नहीं कहा कि सहाबा के लिए है, ये नहीं कहा कि सहाबी रसूल मोहम्मद के सिर्फ सहाबियों के लिए है। इज्जत का वादा उन पर खत्म नहीं हुआ, इज्जत का वादा तबीन पर खत्म नहीं हुआ, इज्जत का वादा हमारे हुक्मरानों पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि इज्जत का वादा अल्लाह तबारक व तआला का कयामत तक मोमिनीन के लिए। जो भी मोमिन बनकर दिखाएगा इज्जत उसे मिलेगी। हमने इज्जत का एक मफहूम खाली ये समझ रखा है कि कोई हमें रिस्पेक्ट दे इसे इज्जत कहते हैं, कुरान का मफहूम इससे अलग है। इज्जत अल्लाहु अजीजुन हकीम, अजीज के माना है कुव्वत वाला जबरदस्त, वमादारी का भी अल्लाह अजीज, ये अल्लाह तबारक व तआला पर कुछ मुश्किल नहीं है,
इज्जत के माना है कुव्वत और ताकत, इस पर ताकत होती है उसकी तो इज्जत की ही जाती है। इसलिए कुरान ने इज्जत के मफहूम को यह नहीं कहा कि कोई आपको रेस्पेक्ट देगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा, बल्कि कुरान का मफहूम इससे वसी है। कुरान ये कहता है कि अल्लाह तबारक बताला तुम्हें गलबा और कुव्वत और ताकत अदा फरमाएगा। इतनी कुव्वत और ताकत अगर तुम कुरान पर चलने लगोगे तो दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों को तुम ये ऐलान कर सकते हो कि अब हमें खराज दो, टैक्स दो, आप कह सकते हो। और आपने कहा है, आपने कहा है, दुनिया की वो बड़ी बड़ी ताकतें जिनको किसरा और कैसर के नाम से पुकारा जाता था, जिनके नाम से सारी दुनिया कपकपाती और थर्राती थी, लेकिन एक दिन यह आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों के सामने जब उन्होंने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर उसको ये समझा कि ये कुरान अमल करने के लिए आया है, पापों में सजाने के लिए नहीं, जुजदानों में लपेट देने के लिए नहीं, गिलाफों में कवर चढ़ा देने के लिए नहीं, सिर्फ छूने और तबर्रुक के लिए नहीं, महज सिर्फ इस पर को दम कराकर पी लेने के लिए नहीं, बल्कि सहाबा का ईमान और यकीन ये था कि ये कुरान, कुरान जहां हमें नमाज का तरीका बताता है वहां हमें निजाम हुकूमत चलाने के उसूल भी बताता है। जब वो इसको लेकर निकले तो ऐलान कर दिया उन्होंने, रुस्तम से कहा, बड़े बड़े सिकंदरों से कहा, वक्त के बड़े बड़े ताकतवर बादशाहों से उन्होंने कहा, असलिम तस्लम, या तो इस्लाम कबूल कर लो सलामती में आ जाओगे, इस्लाम कबूल नहीं करते तो जबरन तो हम तुम्हें कबूल नहीं कराते, मगर फिर हुक्मरानी हमारी, कानून हमारा, और हम तुम पर अपना हुक्म नाफिज इस तरह करेंगे कि तुम हमारे जिम्मी हो, अपना सा थोड़ा सा जिजिया हम लेंगे, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत हम करेंगे, तुम्हारे माल और दौलत की हिफाजत हम करेंगे, तुम्हारी इबादत गाहों की हिफाजत हम करेंगे। देखते ही देखते इस्लाम मक्का से तुलू हुआ, मदीने में जगमगाया और जजीरतुल अरब को उसने रोशन कर दिया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही उसने अरब मुकद्दस जजीरा मोहम्मद पर अमन अमान का डंका बजा दिया। और हजरत उमर इब्ने खत्ताब के दौर में जब सहाबा इकराम निकले तो किसरा के कदमों से जमीन छीन ली, और जुमे का दिन था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम उस तख्त पर चढ़ गए जिस पर कभी किसरा बैठा करता था, उस कालीन को अपने कदमों से रौंदा जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जिसमें सोने और चांदी के तार लगे हुए थे, और उस पर उन्होंने नमाज जुमा अदा की। पलट जा जानिबे मंजिल, पलट जा, पलट जा, असीरे गम मुसलमान पलट जा, जानिबे मंजिल पलट जा, जमाना आगे बढ़ रहा है, तू 1400 बरस पीछे को हट जा। तेरी तरक्की इसमें नहीं है कि तेरी बेटियां लिबास उतार कर नंगे जिस्म सड़कों पर टहल रही हो, तेरी तरक्की तो इस बात में है कि जब तेरी बेटियां हया की चादर में लिपटी हो, गैरत का गाबा पहने हुए हो, शर्म और हया की पैकर हो, तो वो औरतें जिनके जिस्मों पर हया का लिबास नहीं है, जिनके दिल में बेगैरती की चुभन और कसक है, जिनको लोग घूरते और देखते हैं, वो जब ये देखें कि हया की चादर में सुकून कितना है, फातिमा की चादर में राहत कितनी है, आयशा के दुपट्टे में दिल का सुकून और करार कितना है, तो वो अपने बाप से ये कह दें कि तेरा दीन बातिल है, तेरे घर में राहत और सुकून नहीं है, मैं इस्लाम की चौखट पे सर झुकाती हूं, और अपने बाप को इस तरह छोड़कर चली आए जिस तरह उम्मे हबीबा ने अबू सुफियान को छोड़ दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन कबूल कर दिया। उस तरक्की पर मत जाइए जो बातिल हमें तरक्की दिखा रहा है। औरतों के लिए तरक्की यह है कि वो बच्चे की मां हो, अपने बेटे की खिदमत करे, उसके सीने में जो दूध के कतरे हैं जब उसका बेटा पैदा हो तो वो ये जाने कि ये मेरे बेटे की अमानत है, मैं इसमें खयानत नहीं कर सकती, ये हुक्म मेरे शौहर का नहीं, ये हुक्म मेरे बाप का नहीं, ये हुक्म हुकूमत और कानून का नहीं, ये हुक्म अल्लाह तबारक तआला का है। वल वालिदातु युर्ज़िना औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि लिमन अराद मिनकुम अन युतिम्मर रदा,
کہ تم اللہ حکم دیتا ہے اس ماں کو جسے اللہ نے اولاد عطا کی ہے کہ وہ 2 سال تک اپنے بیٹے کو دودھ پلائے یا بیٹی کو دودھ پلائے. یہ مغربی معاشرہ جس کے ہم آج بندوا مزدور ہیں, یاد رکھیے گا چاہے کہیں نہ کہیں ہم ان کے بندوا مزدور ہیں. عرب سے لے کر عجم تک سوائے چند اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانوں کے جنہوں نے باطل کو چیلنج کیا ہوا ہے اور ان کے قانون کو پھاڑ کر پھینک دیا ہے, ان کے دستوروں کو ٹھوکر لگا دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم اس قانون کو مانیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. تم اپنے ملکوں میں گے اسٹائل کو, قوم لوط کے عمل کو جائز قرار دو. ہمیں جس دن اللہ طاقت دے گا اور جتنے حصے پر طاقت ملی ہے اس حصے پر اس اسٹائل کے اپنانے والوں کو ہم بلند بلند میناروں سے گرا کر اس پر سزا کو نافذ کریں گے, سوائے ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانوں کے. باقی تمام لوگ ان کے غلام, ان کے عبید, ان کے چوکیدار اور ان کے پہرے دار ہیں جو ان سے حکم پوچھتے ہیں کہ بتائیے سرکار ہم آپ کے حکم سے یہاں پر کیا کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ رب العزت نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ ہم ترقی ان کے پیچھے نہ چلے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یہ کہیں کہ یہ ہمارے لیے لایا ہوا دین ہے. ہم ان کی غلامی کا پہلے انکار کریں اور محمد رسول اللہ کی غلامی میں آنے کا اقرار کریں, ان تمام دستوروں کو چھوڑ دیں, پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح سربلندیوں سے نوازے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹے کو دودھ نہ پلاؤ, اگر دودھ پلا دیا مانے تو جلدی بوڑھی ہو جائے گی, اور جب بوڑھی ہو جائے گی تو ویسٹ معاشرے میں, مغربی معاشرے میں بوڑھوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک آلو کے برابر بھی حیثیت نہیں. آلو کو جس طرح کولڈ اسٹور میں رکھا جاتا ہے وہاں بوڑھوں کو اولڈ اسٹور میں رکھا جاتا ہے. یہ اولڈ اسٹور ہے, آپ کے یہاں کولڈ اسٹور ہے, وہاں پر اولڈ اسٹور ہے. مغرب میں ایک عورت اور ایک مرد گھبراتا ہے کہ بوڑھا نہ ہو جاؤں. عورت کی وہاں اسی وقت تک قیمت ہے جب تک اس میں جمال, جب تک اس میں حسن, جب تک اس کی جوانی. وہ ایئر ہوسٹس بن سکتی ہے, وہ ونڈو پر بیٹھ کر ٹکٹ بانٹنے کے قابل جب تک ہے, جب تک وہ جوان, جب تک وہ جوان ہے تب تک وہ 5-star ہوٹل میں ریسپشن پر بیٹھ سکتی ہے. یہ ان کا معاشرہ ہے جہاں انسان بوڑھا ہونے سے ڈرتا ہے, کانپتا ہے. اس لیے یہ عورت یا تو اپنے بچے کا قتل کرے گی اور یا اگر اس کو بچا کر بھی رکھے گی تو اپنے سینے کا دودھ اسے نہیں پلائے گی, اس لیے کہ میں جلد بوڑھی نہ ہو جاؤں. یہ ہے ہمارا اسلام, جس میں اسلام ایک ماں سے یہ کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کا حق مت مار, کل جب تو بوڑھی ہو جائے گی تو ہم تیرے بیٹے کے دل میں تیری محبت ڈال دیں گے, اور جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے گا اور جب وہ قرآن کی آیت پڑھے گا اور جب پہنچے گا اس آیت پر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے سلسلے میں, وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. ارے غور کر, تیری ماں نے کتنی مشقتوں کے ساتھ تجھے جنم دیا ہے, کتنی مشقتوں کے ساتھ جنم دیا ہے. وَوَضَعْتُ كُرْهَا جس وقت تجھے جنم دے رہی تھی اتنے غم سے دو چار تھی, اتنی شدت کا درد دے اس کو تھا کہ وہ غم اگر پہاڑوں پر بانٹ دیا جاتا تو پہاڑ اس غم سے سیاہ ہو جاتے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا اور جنم دینے کے بعد اس نے پھر تجھے اپنے سینے کا دودھ نہیں اپنے جگر کا خون پلایا ہے, تجھے 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی, تجھے اپنے سینے میں رکھ کر اپنے پیٹ میں رکھ کر کے تجھے خون پلاتی رہی, اور اس کے بعد تیری ایک آنکھ پر اس کی سسکیاں نکل گئیں, تو جاگا تو وہ بھی جاگتی رہی, تو رویا تو وہ بھی روتی رہی, تو مسکرایا تو وہ بھی مسکراتی رہی, تو نے جب جو مانگا تیری ماں نے تجھے دے دیا, تو ضدی ہوا رات میں تو رات کے سردی کے موسم میں اس نے تجھے وہ کھلایا جو تو نے مانگا تھا, تو نے 10 بار اس کو پکارا, اس نے تیری پکار پہ لبیک اور ہاں کہا. کل تو جوان تھا تو تیری ماں کے قدم تیرے لیے بیساکھیاں تھے, اس کے کاندھے تیری سواریاں تھے, آج تیری ماں بوڑھی ہو کر بچپنے کے عالم میں پہنچ گئی ہے, اب تیرے کاندھوں کی اسے ضرورت. یہ ہے اسلام, یہ ہے قرآن, اس نے ایک ایک مسئلے کو بیان کر دیا. مگر ہائے افسوس, اے مسلمانوں, اس قرآن کو سننے والوں, آج
इस कुरान के सामने खड़े होने वालों, आज ये तय करो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया हुआ मैसेज जो 1400 साल पहले आया है, उस वक्त तक अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से जिंदगी में बरकत की भीख मांगेंगे। ऐ हमारा, तू हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक तेरी किताब को पूरा हम पढ़ न लें और इसके तर्जमे को समझ न लें। अगर ये दुआ करोगे तो अल्लाह ताला शायद मुराद को पूरा। किसी शायर ने कहा ना कि ऐ मौत जरा रुकना कुछ दूर मदीना है, ऐ मौत जरा रुकना कुछ दूर मदीना है, जिस तरह मदीना देखने की आरजू हर आंख में है, हर दिल में है कि मौत से पहले पहले मदीना देख लूं, तो अरे मदीना, मदीना क्यों बना है? मदीना इसीलिए तो बना कि मदीने में जिस पे कुरान उतारा गया वो जाके बस गया है। आधा कुरान या आधे से ज्यादा कुरान मदीने मुनव्वरा में उतरा है, वरना मदीने में रखा ही क्या था? उसका नाम तो यसरिब था। और आज भी मदीने में मेरे नबी का गुम्बद ना हो, मेरे नबी की जात ना हो, वहां सुने ही जालियां ना हो, तो मदीना क्या है? उससे खूबसूरत तो और भी शहर बसते हैं, मगर मदीने की तमन्ना इसलिए है कि वहां जो आलम के सरदार रहते हैं, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुबह शाम गुजरी है। मक्का जगह है जहां अल्लाह तबारक ने कुरान उतारा है और अपने घर को उतारा है। खाना काबा को देखने की आरजू किसमें नहीं है? वो अल्लाह तबारक का घर है, वरना तो उससे खूबसूरत न जाने कितने मकान दुनिया में मौजूद होंगे, मगर वो अल्लाह तबारक का घर है। तो जैसे अल्लाह के घर के देखने की आरजू है, बैतुल्लाह के देखने की आरजू है, किताबुल्लाह के समझने की आरजू क्यों नहीं? कोशिश कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया हुआ ये मैसेज हमारे कानों के जरिए दिल में पहुंच जाए। कल जबान पर मोहर लग जाएगी, कयामत में जबान पे मोहर लग जाएगी। अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उस दिन हाथ बताएंगे, जबान नहीं बता पाएगी, कान बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, दिल दिमाग बोलेंगे। उस वक्त हमारे लिए हमारी आंख बता रही हो कि ऐ अल्लाह मैंने कुरान भी पढ़ा है, उस दिन कान गवाही दे रहे हो कि अगर धोखे से गाने सुन लिए थे तो तेरा कलाम भी सुना है, उस दिन दिल गवाही दे रहा हो कि ऐ मौला अगर हमने गाने सुनकर नाच और गाने की लज्जत हासिल की है तो तेरे कुरान की भी हमने दिल में लुत्फ हासिल किया है। उस दिन हमारे जिस्म का अंग अंग बता रहा हो कि हमने कुरान सुनकर के दिल कपकपा उठा था। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान करीम को हमारा सिफारिश बनाए। अजीजों, ये तो वो किताब है कि बोलने वालों की जबानें घिस जाएंगी मगर इसका हक अदा नहीं हो सकता। आज सिर्फ कहना यही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब तौरात के जरिए बर्पा नहीं किया, इंजील के जरिए बर्पा नहीं किया, मजूसियों की किताबों से बर्पा नहीं किया, लुकमान की हिकमत नामे से बर्पा नहीं किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस इनकलाब को लेकर आए वो कुरान के जरिए इनकलाब आया, और ये ऐसा इनकलाब था जिसके सामने कोई टिक नहीं सका, जिसमें दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, जिसमें गरीबी मिटाने के लिए निजामे ज़कात मौजूद है, जिसमें चोरों को चोरी से रोकने के लिए चोर की सभा मौजूद है, जिसमें शराब और उस जैसे नशावर चीजों के लिए हुक्मनामे मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, एक छोटा सा मसला जो मैंने माँ के दूध से जिक्र किया है, कब्र तक के सारे मसाइल कुरान करीम में मौजूद है। कल सहाबाए किराम ने इस कुरान को आसमान से लिया और उसे यही नहीं कि मस्जिद में उठा के जैसे हमने रखा है उस तरह रख दिया, बल्कि वो इस कुरान को लेकर इसी रमजान के महीने में 17 रमजान को बद्र के मैदान में मदीना से 80 मील के फासले पर निकले, तो बातिल की तमाम कुव्वतों को ये बता दिया कि हम तुमसे घबरा जाने वाले नहीं हैं, अगर मुकाबले पर आओगे तो अब हम तुम्हें ये बताएंगे कि अब तुम कुरान के मानने वालों के सामने टिक नहीं सकोगे। कोई घर मक्के का नहीं बचेगा जहां नौह और मातम नहीं हो रहा होगा। और आइंदा हिम्मत मत करना, अब कुरान के मानने वाली कौम को अल्लाह ने यह हुक्म दे दिया है कि अगर दुश्मन तुम पे हमलावर हो और टेढ़ी नजरों से देखे तो तुम भी बहादुरी और जवा मर्दी के जौहर दिखाना, अगर तुम कत्ल हो जाओगे तो शहादत का दर्जा मिलेगा और अगर जिंदा रहोगे तो गाजी कहलाओगे, या तो फतह मिलेगी या शहादत का जाम मिलेगा। अल्लाह अकबर, कुरान ने जंग को भी जिहाद बना दिया। जिस तरह कुरान ने हाजी के लिए ऊंट की कुर्बानी को जायज करार दे दिया, जिस तरह कुर्बानी के जानवरों को अल्लाह तबारक पताला ने हलाल करार दे दिया, तुम्हारे लिए हलाल है खा सकते हो,
इसे बेकार जाय करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने माल गनीमत को वो माल जो दुश्मनों से मुकाबले पर हासिल हो वो माल गनीमत करार दे दिया, पांचवा हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला को दे दो। अल्लाह को तो नहीं चाहिए, वो अल्लाह उसके रसूल का है। अल्लाह ने कुछ बंदों को गरीब बनाया है, कुछ को मिस्कीन बनाया है, कुछ को यतीम और बेवा कर दिया है, कुछ को अल्लाह ने मोहताज और फकीर बना दिया है, कुछ के कानों पर कर्जों का बोझ है। ये पांचवा हिस्सा अल्लाह को दे दो और बाकी चार हिस्से आपस में बांट दो, ये माल गनीमत। ये कुरान ने जो कह दिया वो हलाल, अब तुमको साहब इसे हलाल कर दिया, उसे हराम कर दिया। यही मुशरिकों को वहम हुआ, कहने लगे साहब जिसे मुसलमान मारते हैं खुद उसे हलाल कर लेते हैं और जिसे अल्लाह मारता है उसे हराम कर देते, वो जिवा कर दे तो हलाल और अल्लाह मार दे तो नहीं खाते उसे हराम। अब कुछ मुसलमानों का हाँ हाँ बात तो सही है साहब, क्योंकि ये बात बड़ी जल्दी समझ में आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के जरिए कहा इनके कहने में मत आ जाना, जो जानवर मर गया है वो हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, उसका खून उसके अंदर रह गया है, तुम जो जिबा करते हो तो नापाक खून, नुकसान करने वाला खून, ये बाहर निकल जाता है। एक तो अल्लाह ने हलाल किया है, इसे हलाल ही कयामत तक जानो। अगर उनके कहने पर तुमने भी इसे हराम समझ लिया तो तुम भी मुशरिक हो जाओ, इनके प्रोपेगेंडे में मत जाओ। जब कुरान करीम ने यह कहा कि सूद मत लो, एक शख्स को 1,00,000 रुपए दिए और कहा साहब 14 रुपए बचा के दे देना सैकड़े पर, 100 रुपए पर। कुरान ने कहा ये हराम सूद है, प्रोपेगेंडा किया गया कि वाह साहब एक बकरी खरीद के लाते हैं जाफराबाद से और वहां लाके 20 नंबर गली में बेच देते हैं, 1,000 के फायदे से इसे हलाल कहते हैं और हम खा रहे हैं इसे हराम कहते हैं। अरे भाई यहीं से तो खरीद के लेके गए, 2 कदम आगे जाके कहा कि ठीक है मैं इतने की बेचता हूं तो ये हलाल। उस वक्त कुरान करीम ने कहा अरे पागलो नादानो, हल्लल्लाहुल बैया व हर्रमर रिबा, एक को अल्लाह ने हलाल किया है और एक को हराम किया है, दोनों कैसे हो सकते हैं? औरत औरत है ये नहीं कह सकते, एक मां है एक बेटी है, एक बीवी है एक बहन है, एक गैर महरम है एक महरम है। अल्लाह तबारक व तआला ने फर्क किया है, तिजारत को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया है, तिजारत करो। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह तबारक व तआला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सबका दो बढ़ते चले जाओगे, सबका दो बढ़ते चले जाओगे। लिहाजा कुरान करीम जो कह रहा है उस पर अमल करके दिखाए। जो कौम जहां कहीं की भी रब्बे दो जहां के कुरान पे आज भी अमल कर लेगी, अल्लाह तबारक व तआला उसे फिर से वही मकाम उरूज अता करेगा। बस मेरे दोस्तों बात मैंने खत्म की, जब हम कुरान पर चलते थे तो दुनिया के खित्ते की तारीख उठाओ, यही मुल्क था, यही एक दिन नहीं 800 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यहां का हुक्मरान बनाया। इंसाफ आप बांटा करते थे, माल आप तकसीम किया करते थे, कागज के नोट को आज तरस रहे हो। उस वक्त जब कुरान पर चलते थे तो सोने का सिक्का और चांदी का दिरहम था, सोने का दीनार और चांदी का दिरहम आप चलाया करते थे। मगर जब से कुरान को छोड़ा और अभी तक कुरान की तरफ बैठने के लिए तैयार नहीं है तो भूख हमारे दरवाजों पर यतीम सिसक रहे हैं, बेवाएं तड़प रही हैं, जो जब चाहता है हमें जहां चाहता है ऊंट बकरियों की तरह जिबा का डालता है, जो जब चाहता है हमारा खून पीकर निकल जाता है और कोई उससे पूछने वाला नहीं है। इसलिए इस उम्मत मुस्लिमा को फिर से कुरान करीम को अपने सीनों में बसाना होगा। कुरान जान मांगे तो जान दे दो कुरान को, अरे कुरान मांग रहा है, कुरान जान लेकर ये कह देगा। फरिश्तों से कहेगा इसे मुर्दा मत कहो, उलमा से कहेगा इसे मुर्दा मत कहो, नबियों से कुरान कहेगा ये मुर्दा नहीं है, इसने मेरे दीन मेरे उसूल के लिए कुर्बानी दी है, लिहाजा ये शहीद है। वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो कौम ऐसा करेगी अल्लाह उसे सरबलंदी देगा। अब हमें तो समझ में नहीं आता, अहले इराक और शाम ने कुर्बानियां दी, हाँ 2006 में 31 दिसंबर 2006 को वहां का हुक्मरान अमेरिका के मुकाबले पर डट गया, कुरान हाथ में लेकर आया,
जिसे आप सद्दाम हुसैन के नाम से जानते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए अपनी जान अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द की। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जिस जमीन पर तेरा खून बहा है, जिस जमीन पर तूने इज्जत के साथ अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द की है, ये सरजमीन इज्जत की सरजमीन हम बना देंगे। इस सरजमीन को हम बातिल का कब्रिस्तान बना देंगे। इस सरजमीन को हम इस्लाम की इज्जत और इस्लाम की सरबरंदी की धरती बना देंगे। 60-62 मुल्क नहीं, सारी दुनिया यहां आ जाए, अरब का सहरा उसको निगल जाएगा। तेरे बाद हम ऐसे परचम उठाने वाले खड़ा करेंगे कि जो सारी दुनिया को चैलेंज करेंगे, कोई माने या ना माने। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को आज सरबरंदी अता कर दी है। उन्होंने दुनिया की करेंसी को ठोकर मार दी, यूरो और डॉलर को जलाकर खाक कर दिया। सारी दुनिया गवाह है कि आज इराक और शाम की हुकूमत इस्लामिया ने अपना दिरहम और सिक्का ढाल लिया है। 5,000 उनके 5 दीनार की कीमत अमरीका के 7,500 डॉलर। तो दुनिया ने देखा क्या है, दुनिया अब देखेगी कि अल्लाह तबारक व तआला के दीवाने और शैदाई जिस जगह पर खड़े होते हैं उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अब बाकिल कहता है कि ये शिकस्त क्यों नहीं खा रहे, इनका राज कहां है, ये कहां बसते हैं, इनका राज अल्लाह तबारक व तआला है। पढ़ लो अल्लामा इकबाल को, जिनकी शायरी का तर्जमा हर जबान में हो गया है। कह चुके हैं, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार भी, जो भी मुस्लिम जमात 313 की शक्ल में सिर्फ मौजूद हो, वो अगर फजाए बद्र पैदा करेगी तो फरिश्ते उसकी मदद को आएंगे। ये हम इस मस्जिद से पैगाम देना चाहते हैं। मस्जिद आयशा है इसका नाम, ये सैयदना हजरत आयशा अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मंसूब है, जो हमारी मां है। अब आयशा के बेटे मैदान में आ चुके हैं और उनके बेटों ने कुरान पढ़ लिया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद का वादा कर चुका है। यही रमजान का महीना है, जब 17 रमजान आती है तो रमजान हमें बद्र की याद दिलाता है, और जब 10 रमजान आती है तो फतेह मक्का की याद आती है कि कुरान के मानने वाले कभी पिंजरों में बंद है, कभी कैद में बंद है। 13 साल की आजमाइश के बाद, 8 साल के मदीना की जिद्दोजहद के बाद, 21 साल का जब जमाना आया तो मक्का फतह हो चुका। 21 साल के बाद मक्का फतह हो गया। अल्लाह अकबर। 2003 से 2015 तक 13 साल आजमाइश की, आजमाइश से गुजर गई उम्मत। मत घबराओ, अल्लाह ताला ने इस उम्मत के आंसुओं को कबूल कर लिया। तुम जो रोए हो वो कोई आंसू रायगा नहीं गया। वो खून जो बर्मा में उम्मत का बहा वो रायगा नहीं गया। वो खून जो अफगानिस्तान में बहा वो रायगा कैसे जा सकता है। जो फलस्तीन में बहाया गया वो रायगा नहीं जा सकता है। वो जो इराक और शाम में बहा वो खून हमारा है, वो रायगा नहीं जा सकता है। जिस तरह हजरत हुसैन का खून रायगा नहीं गया, हजरत हमजा का खून रायगा नहीं गया। उम्मत ने इस्लाम के चमन को सैराब करने के लिए जो अपना खून दिया है वो अल्लाह के यहां कबूल कर लिया गया। 13 साल की आजमाइश के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामी रियासत को बना दिया, जिस तरह मदीने में इस्लामी रियासत बनी थी। और 8 साल का और इंतजार करो, इंशाल्लाह 2021 में जाकर के 2021 में पहुंच करके 13-21 हो जाएंगे। 2021 टारगेट है इनका। हम 21 इसलिए कह रहे हैं कि 2020 को अपना समझ रहे हैं। 2020 इसलिए होता है 2020 कि 2020 तक ऐसा कर देंगे। यहां भी हमें धमकियां मिल रही हैं कि 2021 में पूरा जफाया कर बताएंगे हम, जब 2021 आएगा तो सफाया किसका होगा। कुरान वालों का कभी सफाया नहीं होता। इस्लाम ये पौधा है, काटो तो हरा हो। इंशाल्लाह ये दरख्त है कि जो हमेशा बरकतों के साथ आता है। ये कौम मिट नहीं सकती, न मिटाई जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अब उरूज फतेह कामरानी और इज्जत के दिन भी अता फरमाए, और अल्लाह इस उम्मत को कुरान की तरफ माइल फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما رحمت کا اشرہ پار کیا مغفرت کے اشرے سے گزرے اے مولا آپ تو جہنم سے خلاصی کے اشرے میں داخل ہو گئے آج تاپ رات ہے تیرے دوست اور محبوب اعتکاف کی نیت سے تیرے گھروں میں بیٹھ گئے اے مولا اے کریم ہم سب کو آج جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما دے اے مولا ہم نے اپنے گناہوں سے جہنم کو واجب کر لیا اے مولا ہم خطاؤں میں گھر گئے 11 مہینے ہم گناہ کے سمندر میں تیرتے رہے آج گندگی میں لپت ہو کر تیری چوکھٹ پہ آ گئے ہیں تیرے رحم کا سہارا تجھے دیتے ہوئے تیرے رحم کی امید کرتے ہوئے تیری مغفرت کی چادر میں لپٹنے کے لیے آئے ہیں اے مولا آج ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے اے مولا یہ نوجوان آج تیری چوکھٹ پہ سر لگاتے ہوئے آئے ہیں اے مولا آج روتے ہوئے آئے ہیں آج ہچکیاں لے کر سسکیاں لیتے ہوئے آئے ہیں اے مولا ان نوجوانوں کی جوانیاں اسلام کے لیے قبول فرما دے اے اللہ ان کے بازوؤں کو اسلام کی حفاظت کے لیے قبول فرما لے اے مولا یہ لہو ایک دن موت جب آئے گی تو خشک ہو جائے گا جسم میں سڑ جائے گا اے مولا اس لہو کو قبول فرما لے شہادت کے لیے قبول فرما اے مولا اسلام کی کھیتی کی آبیاری کے لیے ہمیں قبول فرما اسلام کے چمن کے لیے ہمیں قبول فرما اسلام کے گلشن کو اے اللہ لہلہانے کے لیے ہمارے مال کی ضرورت ہو تو مال قبول فرما جان کی ضرورت ہو جان قبول فرما لہو کی ضرورت ہو لہو قبول فرما آنسو چاہیے تو آنسو قبول فرما پسینہ چاہیے تو پسینہ قبول فرما اے مولا 20 اور 21 دن قرآن پڑھنے کے بعد آج امید کی نظریں لیے ہوئے تیری چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں بیمار تجھ سے صحت یابی کی بھیک مانگ رہے ہیں ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما اے مولا کاندھوں پر جن کے قرضوں کا بوجھ ہے تجارت بند ہو گئی دکان نہیں چلی اے مولا روزگار کوئی نہیں بچے روتے ہیں عید کی خوشیاں کیسے منائیں گے رمضان کی افطاری سوکھی رہ گئی اے مولا ایسے نوجوان امت کے ایسے لوگ جن کے کاندھوں پہ قرضوں کا بوجھ ہے اے مولا ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل زید سے پیدا فرما دے امت کے وہ تاجر جن کے اوپر زکات فرض ہے اے مولا ان کو زکات کا حساب لگا کر ان مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے مرحمت فرما دے مولا اے مولا جو بیوہ ہو گئی اور اس کا شوہر کئی بچے چھوڑ کر چلا گیا بچے تو معصوم ہے صبح آتی ہے تو بھوک بھوک چلاتے ہیں رات آتی ہے تو پولا روٹی کے لیے تڑپتے ہیں یہ بیوہ کہاں جائے کس کے دروازے پر جائے اے مولا اے کریم مسجد کی سیڑھیاں بھی سونی ہے کوئی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا امیر المومنین کوئی نہیں مولا اے کریم کہاں ابو بکر صدیق جو اس غریب کی خبر گیری کہے کہاں عمر ابن خطاب انہیں ڈھونڈ کر لائے جو اس غریب کی چوکھٹ پہ آٹا لے کر پہنچ جائے کہاں حضرت علی جو اپنی پکی ہوئی روٹی اس غریب اور یتیم کو دے دے اے مولا اے کریم یہ امت اپنے امیر سے محروم ہو گئی یتیموں کا ایک سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا ابھی افغانستان کے یتیم رو رہے تھے کہ عراق میں یتیموں کی باڑھ آ گئی ابھی عراق کے یتیم روتے روتے چھپے نہیں تھے کہ ملک شام میں یتیموں کی لائن لگ گئی ابھی شام کے یتیموں کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے کہ برما میں یتیموں کی ایک سیلاب آ گیا اے مولا اس امت کو پھر سے وہی خلیفۃ المسلمین عطا کر دے جو دیواروں کو توڑتا ہوا سمندروں کو عبور کرتا ہوا سرحدوں کو پار کرتا ہوا اپنے لشکر کو لے کر آخری کنارے تک پہنچ جائے اور یتیموں سے کہے تمہارا والی آ گیا جو بیواؤں سے کہے تمہارا کفیل آ گیا اب تو تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب تمہیں دوسروں کے پرس صاف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اے مولا اس امت کو تو نے خلافت کا وعدہ کیا ہے اے اللہ پھر سے خلافت کے نور سے اس پوری دنیا کو جگمگا دیا اے اللہ یہ باطل ہمارا دشمن نہیں تیرا دشمن ہے ہمارا دشمن تو اس لیے ہے کہ ہم تیری کتاب پڑھتے ہیں ہمارا یہ دشمن تو اس لیے ہے کہ ہم تیری تقدیر کہتے ہیں ہمارا
हमारा दुश्मन तो इसलिए है कि हम तेरे सहाबा के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। ऐ मौला, ये जंग हमारी नहीं, तेरी जंग है। ऐ मौला, हमारी इज्जत का सवाल नहीं, तेरे वकार और तेरी इज्जत का सवाल है। तो जंग लड़ने में सबसे आला और अफजल है। ऐ मौला, अपने दुश्मनों को शिकस्त से दो चार कर दे। तूने बद्र में इतराने वालों के सर कलम कर दिए थे, तूने बद्र में नाचने गाने वालों के अरमान पानी में मिला दिए थे। ऐ मौला, तूने अबू जहल का खात्मा कर दिया था। ऐ मौला, आज फिर से रूए जमीन के अबू जहल इतराते हुए शराब के मटके लेकर मैदानों में निकले हैं। अफरा को जिंदा कर दे, दोबारा से किसी अफरा को जिंदा कर दे जो अपने बेटों को लेकर कर निकले। और आज के अबू जहलों की गर्दन नापने के लिए उसके बेटे मैदान में कूद पड़े। ऐ मौला, उम्मत के गाजियों की हिफाजत फरमा, शहीदों की शहादत कबूल फरमा, कैद में बंद नौजवानों की कैद कबूल फरमा। ऐ मौला ए करीम, यहां बीमार तुझसे सेहत याबी की दुआ करते हैं, उनको सेहत अता फरमा। ऐ अल्लाह, बेरोजगार तुझसे आज रोजगार मांग रहे हैं, उनकी दुआएं कबूल फरमा। रोजगार अपने रोजगार में जिनके चले हुए हैं, तरक्की मांगते हैं, उनकी तरक्की के रास्ते खोल दे। ऐ मौला, तरक्की के रास्ते खोल दे। ऐ अल्लाह, तिजारत जाम है, हर ईद आती है तवक्कुआत लेकर, लेकिन फिर मौला ए करीम ताजिरों की तिजारत कमजोर पड़ जाती है। ऐ मौला, इन्हीं के दम से मदरसे चलते हैं, इन्हीं के दम से मस्जिदें आबाद हैं, इन्हीं के दम से बेवाओं की किफालत है, इन्हीं के दम से मौला ए करीम, ऐ रब्बे काबा, तेरे दीन को सहारा मिला हुआ है। ऐ अल्लाह, उम्मत के सभी ताजिरों की तिजारत में जिंदू निराज चौनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस जमीन पर हमारे न जाने कितने मोहसिन हैं, हमारे माँ बाप हमारे मोहसिन हैं, हमारे उस्तादों ने हम पर एहसान किया है। ऐ मौला, जिसने भी हम पर जब कभी एहसान किया हो, ऐ मौला, हमारे उस मोहसिन को अपनी शान शान बदला अता फरमा दे। तेरे खजानों में क्या कमी है, अब तेरे पास तो बदला देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस जबान के कि हम उनके हक में दुआ कर सकते हैं, सिवाय इस आंसू के जो आंख से टपक रहा है। ऐ मौला, जिसने हमें बचपन में रोटी का एक टुकड़ा दिया हो और हमारी भूख मिट गई हो, जिसने तन छुपाने के लिए कपड़ा दिया हो और हमारा तन छुप गया हो, ऐ मौला, जिसने हमें एक साया साए के लिए एक छतरी दे दी हो, ऐ मौला, वो हमारा मासिन है। जिसने हमें एक लफ्ज पढ़ा दिया हो, ये हमारे सब मासिन है। ऐ मौला, किसी ने हमें सवारी पे सवार कर लिया हो और थके हुए कदमों को राहत मिल गई हो, वो हमारा मासिन है। अगर आज दुनिया में हो तो ऐ मौला, उसके एहसान का बदला उसे हमारी तरफ से अता कर दीजिए, और अगर दुनिया से जा चुका हो तो आज मौला उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे, हमारी नेकियां उसके आमाल में नामे में ट्रांसफर फरमा दे, उसके लिए सबका जारिया बना दे। ऐ मौला, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हमारे अजीज और अकारिब बीमार है, उनको सेहत अता फरमा। दोस्त और अहबाब बीमार है, उनको सेहत कामिल अता फरमा। न जाने कितनों ने दुआ की दरख्वास्त दी है, सबका नाम नहीं ले सकते। मौला, तू सबसे वाकिफ है, तू सबसे वाकिफ है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सेहत अता फरमा। माओं की दुआएं बेटों के हक में कबूल फरमा। अहल्ला, बेटों की दुआएं माँ के हक में कबूल फरमा। अहल्ला, शहीदों की दुआएं कबूल फरमा। बवक्त शहादत उनकी दुआएं कबूल फरमा। इस्लाम के गाजियों की दुआएं मोर्चों की कबूल फरमा। कैदियों की दुआएं कैद की अंधेरी कोठियों में जो मांगी है वो कबूल फरमा। तवाफ करने वालों की दुआएं कबूल फरमा। ऐ मौला, नबी की चौपट पे सलातो सलाम पेश कर जन्नतुल बकी, और ऐ मौला, मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना में सुतूने आयशा के पास बैठे हुए लोगों की दुआएं कबूल फरमा ले। अमीरुल मोमिनीन की दुआएं कबूल फरमा, रियाया की दुआएं कबूल फरमा। ऐ रब्बे काबा, इस मस्जिद में बैठने वाले सब लोगों की आज मुरादें पूरी फरमा दे। यहां जो आरजू लेकर आया है, ऐ अल्लाह, नाजायज आरजू पर कंट्रोल अता कर दे और जायज आरजू को पूरा फरमा दे। ऐ मौला, जायज ख्वाहिश को पूरा फरमा दे, जायज तमन्ना को पूरा फरमा दे, लबों से निकली दुआओं को कबूल फरमा ले, आंख से छलके आंसुओं को कबूल फरमा ले। तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं, ये वो हाथ है जो कभी किसी के सामने नहीं फैले, ये वो माथा है जो किसी पत्थर के सामने कभी नहीं झुका, ये वो जबान है जिसने किसी कमदर्द से कभी सवाल नहीं किया। ऐ मौला, हमारे आज सारे सवालों को पूरा फरमा दे, हर दुआ को कबूल फरमा ले, इस मस्जिद के नमाजियों को कबूल फरमा, इस शहर जो ये कभी ऐ मौला ए करीम राजधानी इस्लाम की हुआ करता था, इसे फिर से इस्लाम के कदमों से ऐ मौला जगमगा दे, इस्लाम की कुव्वत अता फरमा दे। हमारे इस कुरान को जो पढ़ा गया कबूल फरमा ले, इमाम साहब के पढ़ने को कबूल फरमा, मुक्तदियों के सुनने को कबूल फरमा, सुनने वाले हाफिज को कबूल फरमा, इमाम साहब की खिदमत करने वालों को कबूल फरमा, इन्हें हदिया और तहाइफ देने वालों को ऐ अल्लाह अपनी शान शान बदला अता फरमा, शान बदला अता फरमा। हमारी इन दुआओं को अपने फजलो करम से और आज
آج کی اس مجلس کے تفائل قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام المرسلین والحمد للہ. Thank you.
मना लो अलग रखी मना दे थोड़ी देवन निकल अंदर ज्ञान दो सौ रात में दी